नमस्कार दोस्तों, हिंद 24 टीवी में आपका स्वागत है। खबर प्रयागराज से है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी खालिद जफर के घर पर चला बुलडोजर। बता दें, उमेश पाल की हत्या में शामिल आरोपी के घर पर आज पीडीए बुलडोजर चल रहा है। जिस घर को गिराया जा रहा है या खालिद जफर नाम के व्यक्ति का बताया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन के दौरान आसपास के रास्तों को पुलिस ने बंद कर रखा है। मौके पर आरएएफ को भी तैनात किया गया है। बता दें कि खालिद जफर की 2 से 2.5 करोड़ की संपत्ति पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। गेट और बाउंड्री तोड़कर घर के अंदर का सामान निकाला जा रहा है। सामान निकालने के बाद बुलडोजर चलाया गया। पड़ोस के मकानों को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण के कर्मचारी भी लगाए गए हैं। एक कर्मचारी घर गिराने के विशेषज्ञ हैं। कार्रवाई से पहले खालिद का परिवार घर छोड़कर चला गया है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान घर के अंदर से बंदूक और तलवार मिली है। पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली थी कि इस घर में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता ने शरण ली थी। उमेश पाल हत्याकांड की साजिश भी इसी मकान में रची गई थी। कार्रवाई धूमनगंज क्षेत्र में अतीक अहमद के करीबी जफर खालिद के मकान पर हो रही है। मौके पर जिला प्रशासन, पीडी और नगर निगम की संयुक्त टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। सबसे पहले बुलडोजर ने घर की बाउंड्री को ध्वस्त किया। मकान जिस इलाके में वह घनी आबादी वाला क्षेत्र है,